प्राणी मात्र का मतलब है कि जीव मात्र दुनिया में जितने भी लोग हैं, किसी के प्रति भी कहीं भी द्वेष ना हो तो क्या हो, प्रेम हो। इसे ऐसे समझ लीजिए कि एक सबके अंदर भाव भावना होती है, हमारा प्यार ही कहीं ना कहीं बैर में बदल जाता है। इसका उल्टा रूप है ना ये, हम किसी की सहायता कर रहे हो तो यहां तो करुणा है, लेकिन जिसकी सहायता की है एक दिन वही बढ़कर आपसे भी आगे निकल जाए तो, और फिर वो आपका ध्यान भी ना रखे, आपके सामने अकड़कर चला जाए तो पहले तो अपने से बराबर जिसकी सहायता भी की हो, पहले तो उसको अपने बराबर भी आते हुए देखने में फर्क पड़ता है, आगे निकल जाए और आप कहें मैंने इस आदमी को ऐसे से किया था और आज ये पूछता भी नहीं हमको, तो हमारी जो भावनाएं हैं ना वो कुछ अलग तरह की होने लग जाते हैं, उसके प्रति गुस्सा आने लग जाता है, हम कहने लग जाते हैं दुनिया में अच्छे लोग होते हैं जो कृतज्ञ होते हैं, सबसे बुरे लोग वो होते हैं जो एहसान फरामोश होते हैं। और अपने यहां नीतिकारों ने बड़ी बड़ी कहानियां लिखी जिनमें से एक का सार ये बताया कि एक व्यक्ति को शेर ने, वो गिरफ्त में आ गया था शेर की जंगल में, उसकी पूरी कहानी नहीं सुना था आपको, तो शेर ने उसे सूंघ कर छोड़ दिया। तो किसी ने पूछ लिया कि भाई आप तो नरभक्षी हो, कोई भी सामने आ जाए मार के खा जाते हो, इस आदमी को क्यों नहीं तुमने मारा? बोले एहसान फरामोश है, इसको खा के मैं भी जो है ना मेरा भी काम खराब हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ हजम है मुझे लेकिन ये हजम होने वाला नहीं है, क्योंकि इसे तो दुनिया में कोई माफ नहीं कर सकता, भगवान सबको माफ कर सकता है लेकिन एहसान फरामोश को कभी माफ नहीं कर सकता। विश्वासघाती हो, एहसान फरामोश हो, कृतज्ञ बहुत बड़ी गाली मानी जाती है, किए हुए को मानना चाहिए। और हमारे माँ बाप का, हमारे बड़े बुजुर्गों का छोटा मोटा उपकार है हमारे ऊपर, आप सबको माँ की भी सारी के सारी जितनी भी उसकी दया कृपा, जो भी उसने पालन पोषण में ममता वात्सल्य जो भी कुछ लुटाया हमारे ऊपर, वो सब तो हमें याद आता है। पिता ऐसा लगता है जैसे फालतू आदमी है, इसने तो शायद ही कुछ किया हो, सबको माँ माँ याद आती है, पिता का कोई समझ में नहीं आता, क्योंकि वो डांटता है ना, कमियां निकालता है, जब देखो तभी डांट देगा, कमियां निकाल देगा, बुरा भला बोल देगा, तारीफ तो करेगा ही नहीं कभी भी, इसलिए किसी को भी पिता नहीं याद आता। लेकिन जरा सोचकर देखिए, जितना उपकार मां ने किया होगा उससे भी कहीं ज्यादा पिता का उपकार है, पिता का उपकार साधारण नहीं है। पिता ने जो कुछ किया, बहुत फैशनेबल भी रहा हो, जब उसके बच्चे बड़े होने लगते हैं अपना सारा फैशन भूल जाता है, पहले कितना भी अपने लिए जीता हो, अपने बच्चे हो जाने के बाद आदमी अपने लिए नहीं जीता, अपने बच्चों के लिए जीता है, पहले कितना भी अकड़ कर चलता हो लेकिन वो एक टाइम आ जाता है जब उसके अपने बच्चे हो जाते हैं तब वो दूसरों के सामने अकड़ भूल जाता है और झुकने लग जाता है, बर्दाश्त करने लग जाता है, सहन करने लग जाता है, उसको लगता है बाल बच्चेदार आदमी हूँ, मेरी अकड़ से काम नहीं चलेगा, दुनिया के सामने जो कभी हाथ नहीं फैलाता, किसी के आगे झुकता नहीं, हर जगह सिर उठा के चलने वाला आदमी भी जहां नहीं झुकना चाहिए वहां भी झुकने लग जाता है, क्योंकि उसे लगने लगता है मुझे अपने बच्चों के लिए करना है, मैं अपने लिए नहीं जी रहा, अपने बच्चों के लिए जी रहा है,
जो आदमी अपने घर का पहरेदार, अपने घर का चौकीदार बनकर, अपने घर का वो खंबा बनकर जो अपने घर को संभाल कर खड़ा हुआ है, वो तो पिता ही होता है। उसी पर तो घर टिका है, उसी के कारण तो माँ के माथे पर बिंदिया है, उसी के कारण तो उसके सिंदूर सजा दिखाई देता है, उसी के कारण तो उसकी साड़ी आभूषण सब सजे दिखाई देते हैं, उसके हाथों की चूड़ियां सजी दिखाई देती है, घर की बिजली से लेकर घर की रौनक वही तो है। वो बैठा है, परवाह नहीं किसी को भी, उसकी जेब में पैसे है या नहीं है कोई बच्चा नहीं देखता, फरमाइशें जरूर कर देते हैं, पता नहीं कहां से लेकर आता है पैसे, अपने बच्चों की सारी फरमाइशें पूरी करता है और अपनी सारी फरमाइशें भूल जाता है। किस मिट्टी का बना होगा वो? किसने लिखा कि कितने मजबूत कंधे बनाए हैं रब ने मेरे पिता के, कि कितने मजबूत कंधे बनाए हैं मेरे रब ने मेरे पिता के, कि मेरी जिम्मेदारियों का बोझ उठाते हुए कभी थके ही नहीं है, कभी टूटा ही नहीं वो। इसलिए उपकार उनके मानना भी है, उनका ध्यान भी रखना है। मैं भी रास्ते में जब हम लोग आ रहे थे तो मैं ऐसे बात चल रही थी कि ये ममता, ये वात्सल्य, ये क्या होता है, तो मैं ये बता रहा था कि प्रकृति में एक बड़ी अद्भुत चीज है, ये जितने पशु पक्षी हैं ना, इनमें जो मादा होती है उसके पास जिम्मेदारियां बड़ी होती है, घोंसला, बच्चों को जन्म देना, फिर उनका भोजन लेकर आना, उनको खिलाना, उनके साथ बैठना, उनके मुंह में डालना, चोंच में लेकर आएगी चिड़िया और अपने बच्चों के मुंह में डाल के खिलाती है। तो मैं ये बता रहा था, बिल्कुल अजीब तरह की स्थिति होती है और प्रकृति में बिल्कुल उल्टा उल्टा दिया हुआ है। प्रकृति में जो है, नेचर में आप देखेंगे तो वहां जो मादाएं हैं उनको श्रृंगार नहीं दिया भगवान ने, इंसानों में तो उल्टा है ना, महिलाओं में श्रृंगार है, पुरुषों में नहीं है। पुरुषों में तो जो वो दूल्हा भी बनता है तो ऐसा उसके सिर पे मुकुट उकुट लगा के ऐसा बांध देते हैं, पूरा जोकर जैसा ही हो जाता है बेचारा, हालत ही खराब कर देते हैं उसकी। लेकिन प्रकृति में बहुत उल्टा खेल है। प्रकृति में अगर आप देखें पूरे नेचर में तो सारी सजावट जो है नर के अंदर है। कलगे किसके पास? मुर्गे के पास। मुर्गा देखना आप कभी, मुर्गी के पास कलगी नहीं है, जो सिर पे मुकुट होता है ना। मोर के पास, मोर के पंख बहुत सुंदर, मोर की कलगी बहुत सुंदर, और मोरनी देख लीजिए बिल्कुल सुंदर नहीं है। हिरन को देखना कभी आप, बारहसिंगा होता है ना, 12 सींग एक साथ उसके इतने सारे, और जो हिरनी होती है 2 सींग, उसे श्रृंगार करने की जरूरत ही नहीं। और कमाल की बात ये है, जो कोयल बोलती है ना, ये बोलती नहीं, बोलता है। अब बोलते हम लोग यही है, कोयल बोलती है, वो जो गाता है, जो कोयल गा रही होती है ना, वो नर गाता है, उसे रिझाने के लिए गाता है। और बड़ी अलग तरह की बातें हैं इनकी। हाँ एक बात बहुत अजीब है, ये जो मच्छर है ना, उनमें से भी जो काटती है ना, ये बहुत अजीब बात है कि वो मच्छर ही काटती है, वो नर बेचारा नहीं काटता। तो इनकी कथा लंबी नहीं करके आपको वो बता रहा था कि मैं ये बता रहा था कि ये जो नर प्रकृति में है, पक्षियों में, पशुओं में, इनकी ड्यूटी कुछ अलग तरह की है। तो मेरे आश्रम में जो मेरा कक्ष है, उसके वॉशरूम के बाहर खिड़की में एक कबूतरी ने वहां घोंसला बनाया, उसका अंडा हुआ और अंडे के ऊपर वो बेचारी बैठी रहती थी। जब भी मैं उधर जाऊं, मैं देखता था कि वो सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी बैठी हुई है।
एक दिन उसका बच्चा हुआ और उसके बाद फिर वो कहाँ कहाँ से उसके लिए पानी भी लेकर आए, उसके लिए दाना लाए, उसको कुछ खिलाए पिलाए वो। और मैं सोचता था, देखता रहता था कि यहाँ ये बेचारी अकेली दिखाई दे रही है, वो जो पिताजी है वो कहाँ है, वो दिखाई ना दे वहां। तो बहुत ध्यान से मैंने देखा खिड़की के ऊपर वहां बैठा हुआ अकेले, जैसे वो जो उधर गांव में होते हैं ना, वो हुक्का पी रहे होते हैं बैठ के, आजकल बीड़ी सिगरेट पीते, तो वो बाहर बैठा दिखाई दे। और मैंने कहा इसकी क्या ड्यूटी है, ये क्या करता, खाना ये खिला रही है, बच्चों का ध्यान ये रख रही है, वो बाहर बैठा हुआ दूर। एक दिन समझ में आया जब मुझे कुछ आवाज सुनाई दी, मैं कमरे से अंदर भागा वॉशरूम की तरफ, वो देखा एक कौवा जो है उसके बच्चे को खाने के लिए चोंच मारने के लिए आए बार बार। जैसे वो चोंच मारने आया तो मादा जो है वो वहां से उड़े तो एक कौवा और आ गया, दो आ गए वो। उसके बाद वो जो बैठा था ना खिड़की पर, वो आ गया उठ के, बोले अब मैं हूं यहां। और उसने जो कौवे को भगा के आया, ऐसी चौंचे मारी उसने। उसके बाद मैंने देखा, मैं भी वहां 15-20 मिनट खड़ा रहा कि उसके बाद वो कौवा वहां नहीं आया। तब पता लगा कि पिताजी इसको कहते हैं कि जब कहीं कोई संकट आए तो उससे लड़ने के लिए ये है आगे। इसलिए संस्कृत वालों ने भी बड़ा अद्भुत नाम रख दिया, माता निर्माता भवती, जो निर्माण करे वो माँ है। यह पाती रक्षति स पिता, जो रक्षा करे, संरक्षण दे, सहारा दे, उसी का नाम पिता है। इसलिए वो बाहर बैठा जरूर रहता है, लेकिन उसके बैठने का मतलब ये होता है वो वहां चौकीदार बनकर बैठा है कि यहां मैं हूं और मेरे होते हुए इस घर पर किसी की नजर पड़ सके, ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि इस घर का रखवाला मैं हूं। ये दो हाथ हैं, इन दोनों हाथों में एक कोमल हाथ है, एक कठोर हाथ है। एक हार्ट की तरफ वाला जो हाथ है ना, वो कोमल हाथ है, वो माँ का है, और एक ये दूसरी तरफ वाला कठोर, ये पिता का है। बस इन्हीं दोनों के बीच जिंदगी सुरक्षित होती है, इन्हीं के बीच पलते हैं हम लोग। इसलिए अगर ये दोनों होते हैं तो ही हम लोगों का जीवन सही ढंग से पलता बढ़ता है। इसलिए एहसान छोटा नहीं, दोनों का बहुत बड़ा एहसान है। इसलिए ये मत सोच लेना कि माँ ही बहुत बड़ी है, माँ और पिता दोनों ही अगर हैं तो जिंदगी बड़ी होती है, नहीं तो जिंदगी में अधूरापन रह जाता है। इसलिए पिता का सत्कार, हाय माँ तो कहते हो ना, जो भी दुख पड़ता है तो हाय माँ कहते हैं, लेकिन अगर अचानक सड़क पर आके कोई गाड़ी तेजी से ब्रेक लगाकर रुके तो क्या निकलता, बाप रे बच गए, तब बाप याद आता। बड़े संकट में बाप है, छोटे मोटे में माँ है, और दोनों ही रूपों में आपकी जिंदगी सुरक्षित है। इसलिए ध्यान रख लीजिए, इनका एहसान बहुत बड़ा हम सब के लिए, इन्हें मान देना फर्ज है हमारा। तो विश्वास रखना और कृतज्ञता प्रकट करना ये आवश्यक है। तो कहा गया है कि जो व्यक्ति ईर्ष्या और द्वेष से रहित है, जिसके अंदर प्रेम है, तो भगवान ये कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति मेरा अपना है। मतलब परमात्मा के प्रेम के लिए, कृपा के लिए बैर रहित होना बहुत जरूरी है। बैर, विरोध, ईर्ष्या, द्वेष, इसे सबसे पहले हटाइए। कमाल की बात तो यह है कि हम सबको अगर बैर जागता भी है, ईर्ष्या जागती भी है, तो अपरिचित व्यक्ति के प्रति कभी नहीं जागती, जागती है तो परिचित के प्रति ही जागती है।
पूरी दुनिया में कोई भी कितनी भी बड़ी तरक्की कर जाए, हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारा जाना पहचाना, हमारे साथ वाला, हमारे साथ पड़ा हुआ, हमारे पड़ोस में रहने वाला, हमारी बिरादरी वाला, हमारा कोई सगा संबंधी, वो तरक्की कर जाए, फिर यहाँ छाती पर सांप लौटने लगता है। ये कैसे आगे बढ़ गए? कमाल की बात यह है कि जो ईर्ष्या से जल जाता है, फपोले पड़ते तो हैं लेकिन दिल पर पड़ते हैं, बाहर नहीं। बाहर फपोले पड़ जाएं उसके लिए तो बर्नौल हो सकता है, लेकिन अंदर वाले के लिए बर्नौल नहीं है भाई, है कहीं। और कमाल की बात यह है कि जला भुना आदमी ईर्ष्या से पड़ोस में मकान बन गया, हमसे ज्यादा ऊंचा, हमसे ज्यादा सुंदर, हमसे ज्यादा बड़ा, और पड़ोस में है तो बधाई देने तो जाना ही पड़ा, जाएंगे और जाकर फूल भी भेंट करेंगे और जाकर बोलेंगे क्या, हार्दिक प्रसन्नता हुई आपको देखकर, आप हमारे पड़ोसी बन गए हैं, हार्दिक प्रसन्नता हुई। और आंखें क्या बता रही होती हैं, हार्दिक जलन हुई, हार्दिक जलन। और हम लोग इतने कमाल के लोग हैं, अगर हमारे घर में लाइट चली जाए, तुरंत फोन करके बिजली डिपार्टमेंट को सूचना नहीं देते, बच्चे को बोलते हैं पड़ोस की देख कर आ, उसकी भी गई है या नहीं गई है, अगर पता लग जाए उसकी भी गुल हो गई, उसकी भी बत्ती गई, फिर कहते हैं फिर ठीक है, बैठते हैं चैन से, फिर तो सबकी गई। गांव में आग लग गई कुछ झोंपड़ियों में, एक महिला खड़ी हुई उधर से बोल रही है, गांव की महिला थी, वहां की भाषा बोल रही थी, इधर जो ये मुरादाबाद और रामपुर बरेली उधर का जो क्षेत्र है ना, वहां कहीं किसी जगह में रहा होगा तो वहीं की भाषा वो बोल रही थी। जैसे ही आग लगी तो वो कह रही रब परे 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 परे, मतलब उधर ही उधर करना भगवान, इधर नहीं, परे 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 परे। जैसे उसके भी लग गई ना, कहती रब सफम सफा, अब किसी का नहीं बचना चाहिए, मेरे में अगर मेरा लग गई आग तो फिर कोई घर नहीं बचना चाहिए, अब तो सबका कल्याण कर दे। ये बैर, और बैर कहां तक जाता है, सारी इतिहास की कहानियां, बैर विरोध की कहानियां कितनी खतरनाक हैं। कृष्ण भगवान ने कहा इस बैर से ऊपर उठकर ही इसे लांघो तो मेरी सीढ़ियां चढ़ोगे, और अगर ये नहीं लांघ पाओगे तो इस दर पर आना आसान नहीं है भाई। क्या करें, माफ करना सीख जाएं, सबकी मंगल कामना करना सीख जाएं। इसलिए प्रार्थनाएं करने के बाद भी कुछ भी बचे, आखिर में सर्वे भवन्तु सुखिनः बोलना चाहिए, सर्व मंगल कामना करनी चाहिए, जिससे कि अगर कुछ भी मेरी पूजा में, मेरे मन में, मेरे भाव में कमी रह गई हो, भगवान अब आखिर में तुझसे कहता हूं सबका मंगल करना, सबका शुभ करना। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामय, भगवान सबको सुखी करना, सब निरोग रहे, सभी का कल्याण हो, बहुत आवश्यक है ये। और ये ध्यान रख लीजिए कि जब हम लोग ध्यान कराते हैं ना, तो ध्यान में भी ये बात आती है, बहुत महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि उस समय हम लोग आखिर में यही बोलते हैं कि देखिए अगर आपने भगवान की कृपा प्राप्त करनी है, इतनी सारी पूजा पाठ कर ली है, तो फिर आपका आखिर में एक कार्य बचता है कि प्रभु की कृपा आपके ऊपर पूरी तरह से हो सके तो अब आप मंगल कामना करो, सर्व मंगल प्रार्थना करो, क्योंकि जैसे जैसे आप सर्व मंगल प्रार्थना करते हैं तो ध्यान रख लेना कि उस समय प्रभु की कृपा आपकी तरफ तेजी से आती है, क्योंकि भगवान उसी समय आपको अनंत आशीर्वाद देते हैं जब आपके मन में
सबके प्रति कल्याण की कामना होती है। इसलिए यहाँ बैठे बैठे भी एक बार आंखें बंद करके प्यार से सबके प्रति, जाने अनजाने, मेरे अपने मेरे पराए, मेरे निकट मेरे दूर, भगवान मैं सबके लिए मंगल कामना करता हूँ। मुझसे जो भी किसी के लिए कोई भी अपराध हुआ हो, कोई भी त्रुटि हुई हो, हे मेरे ईश्वर क्षमा करना मुझे भी, और मैं सबको माफ करता हूँ जिन्होंने मुझे भी जाने में अनजाने में जिस भी रूप में दुख पहुँचाया। मैं सबके लिए मंगल कामना करता हूँ और अपने सच्चे दिल से सभी के लिए क्षमा करते हुए प्रभु आपसे सुख और शांति की कामना करता हूँ। प्रभु मेरी प्रार्थना को इस रूप में सुनना कि आप उन सभी को माफ करना जिन्होंने मुझे, मेरे परिवार को दुख पहुँचाया, चोट पहुँचाई। मैं भी क्षमा याचना करता हूँ कि जिससे, जिस रूप में जो भी मेरे से त्रुटियाँ हुई हो, किसी को मैंने चोट पहुँचाई हो, सबके लिए प्रभु आपसे भी क्षमा याचना करता हूँ और उनसे भी क्षमा याचना करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। कहीं भी कोई भी किसी भी रूप में इस दुनिया में दुखी न रहे, प्रभु बस यही मेरी कामना है। ओम शांति शांति शांति। आखिर में ये प्रार्थना जरूर किया करें तो आपका भी शुभ मंगल होगा।